बहुत बार होते थे मनीष भैया, वो अपना गमछा से, आज देखिए यहाँ सुन नहीं रहे हैं, पर वो अपना गमछा से मेरा आंसू अपने हाथ से पोंछते थे और हमको पजामे पकड़ के बार बार यही समझाते थे कि तुम मत घबराओ, तुम मत घबराओ, रो मत, मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा। उनके घर से, उनके दोस्ती के माध्यम से, जहाँ से भी जो कुछ अगर जेल के अंदर में जाता था मुलाकाती हेतु, वो सामान ला करके हम लोगों को खिलाते थे। अब हम सबों को अपना छोटे भाई से ज्यादा प्यार करके रखते थे कि हमारा जेल नहीं, हमारा यह घर संसार है, तू लो संसार हो। आज वो हम लोगों को बीच नहीं है, आज ना है तो देखिए आज राखी बंधन का त्योहार है, न होने का हम लोगों का आप दिल पे कैसे एहसास हो रहा है। बेतिया में जो 7 केस उनके ऊपर हुआ था, उस 7 केस में से इनका भी नाम था, क्या नाम है, इधर आ जाइए, ये भी थे। जब पता चला कि उस केस में से ये भी थे, जब जेल में गए थे क्या क्या हुआ, ये सारे चीज ये भी बताएंगे। जब अगर निकलने के बाद बेतिया आते थे, कभी आते थे तो समाचार पूछते थे, पैसा भी अगर वो नहीं आते थे किसी के माध्यम से भेजवाते थे, आज तो वो नहीं है, आज हम किससे मांगे बताइए। कहीं से आते थे, फोन करते थे, तारीख का डेट होता था तो हमें 200 400 5000 2000 के नाम पे हेल्प करते थे, पैसा भी देते थे, देते हमको। कि आप मनीष कश्यप के साथ में जेल में रहे हैं जी, कितने दिन तक रहे जेल में? 4 महीने तक रहे। उसमें आप लोग क्या कांड किए थे कि आप लोग को जेल जाना पड़ा? मनीष कश्यप को काहे के लिए गिरफ्तार किया? आप कब किया, कैसे था? जब हम लोग वहाँ चले गए, जब हम लोग को जेल हुआ, उसके बाद सुबह पता चला कि मनीष कश्यप को गिरफ्तारी हो गई है। हम लोगों का भविष्य को उजागर करने के लिए सच्चाई की आग में कूदे और सच्चाई के आग ने उन्हें साजिश के तौर जलाने का काम किया। जात पात को छोड़कर आगे बढ़ने वाले असंतपुर में हम लोग मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योतिलाल यादव। अच्छा, ये साबा आप लोग कैसे रखे, क्यों रखे? देखिए, साबा रखे जो सत के लिए लड़ रहा है, जब उसको अगर हम साथ नहीं देंगे तो क्या कोई भ्रष्टाचारियों के जाके थोड़ी साथ देंगे? अभी बिहार में देखिए जितना मतलब विधायक है, संसद है, उन लोगों पर कितना केस है, लेकिन वो लोग क्यों नहीं जेल के अंदर है? मनीष कश्यप जो सत्य के लिए लड़ा है, गरीब के लिए लड़ा है, उनका घर का देखिए जो कुप्ती जब्ती हुआ, वो एक गरीब के लिए उनका घर का कुप्ती जब्ती हुआ, जो उनका 1,65,000 रुपया बैंक का मैनेजर इधर से उधर कर दिया था, वो बेचारा जाके आवाज़ उनके लिए उठाए तो वो उनके ऊपर केस करके उनके घर का कुप्ती जब्ती करवा दी। जब मनीष कश्यप जब तमिलनाडु मदुरई जेल में जब गए थे तो सबसे पहले इंसान भेंट करने वाले यही थे। उसके बाद में एक बेतिया में जो 7 केस उनके ऊपर हुआ था, उस 7 केस में से इनका भी नाम था, क्या नाम है, इधर आ जाइए, ये भी थे। जब पता चला कि उस केस में से ये भी थे, जब जेल में गए थे क्या क्या हुआ, ये सारे चीज ये भी बताएंगे। और सबसे पहले जब तमिलनाडु जेल में मनीष कश्यप गए थे तो उनसे भेंट करने के लिए ये गए थे। अच्छा, ये सबसे पहले आप गए थे मनीष कश्यप से भेंट करने? जी, मैं गया था, मनीष भाई से बात हुआ तो अभी कोई नहीं गया था, अपने बिहार से कोई नहीं गया था, ना उनका फैमिली में से कोई गया। अच्छा, जब उनसे आप पहली बार जब मुलाकात हुई जेल में तो क्या क्या बातें हुई? देखिए, सबसे पहले मनीष भाई से हम लोग गए, मुलाकात हुआ तो 2 मिनट तो मतलब हाल चाल हुआ। उसके बाद जब उनके चेहरे की तरफ मैं देखा तो उनका पूरा आंख मतलब लोर से भर गया था, आंसू से भर गया था। फिर मैं उनके चेहरे की तरफ नहीं देख पा रहा था, फिर मैं सोचा कि थोड़ा बर्दाश्त कर लेता हूँ, लेकिन मेरे से भी बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं भी रोने लगा। फिर वो मेरे को बोले कि अरे भाई रो मत, कितना दिन तक मेरे को अंदर रखेगा, आज नहीं कल, 2 महीना नहीं 4 महीना, 4 महीना नहीं 4 साल, उसके बाद तो मेरे को बाहर आना ही है। मैं आऊँगा तो सारा भ्रष्टाचारियों को मैं दिखाऊंगा जो कैसे जेल में रहते हुए भी फिर कह रहे हैं कि हम सारे भ्रष्टाचारियों को मतलब भगाएंगे। जी जी, फिर उनसे मेरे को बात हुआ, फिर वो बोले कि ज्योतिलाल भाई, जब आदमी कुछ दिन के लिए बाहर चला जाता है तो कुछ लोग बिहार में ऐसा होता है ना, भूलना चालू कर देते हैं। तो मैं उनसे बोला कि मनीष भैया, जितना पहले आपको लोग नहीं चाहते थे, शायद उससे ज्यादा अभी आपको लोग चाह रहे हैं। उसके बाद मनीष भैया के चेहरे पर थोड़ा मुस्कान आया। आपका नाम क्या है? रामाशीष कुमार यादव। अच्छा, ये बताइए कि पता चला है कि आप मनीष कश्यप के साथ में जेल में रहे हैं। जी। कितने दिन तक रहे जेल में? 4 महीने तक रहे। कौन से केस में गए थे आप? पंडित राजकुमार शुक्ल कॉलेज बेतिया जिला का सतोरिया पंचायत में पड़ता है। अच्छा, उसी कॉलेज में 12/18/2019 का घटना है, जिसमें उसमें आप लोग क्या कांड किए थे कि आप लोग को जेल जाना पड़ा? कांड ये था कि हम लोग 450 स्टूडेंटों का एग्जाम रद्द हुआ था। अच्छा। प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं हुआ था। हाँ। उसी में कुछ छात्रों से पैसा के माध्यम से उन लोगों का प्रैक्टिकल प्रेजेंट करा दिया गया और हम लोगों से पैसा मांगा जा रहा था। हम लोगों ने कितना पैसा मांगा जा रहा था वहाँ? हम लोगों से 2,000-3,000 रुपये मांगा जा रहा था कि प्रैक्टिकल का आप लोग पैसा दे दीजिए और प्रैक्टिकल एग्जाम आप लोग का हो जाएगा। मतलब ऐसा ही, मतलब पैसा दे दीजिए, पैसा दीजिए, एग्जाम हो जाएगा, प्रैक्टिकल एग्जाम था। हम लोगों ने इस चीज का विरोध करना शुरू किया। हम लोगों ने बोले कि हम लोग देखिए पढ़े हुए हैं, हम लोग समय लगाए हैं, हम लोग अपने टैलेंटी के बदौलत हम चल करके एग्जाम सेंटर पे एग्जाम देने का काम करेंगे। जब हम लोगों ने ये बात बोले तो यहाँ एग्जाम सेंटर से जो सुपरिया कॉलेज है, यहाँ से कॉलेज में ताला लग के यहाँ सारे अधिकारी अपने अपने घर चले गए। हम लोगों ने हमको डेट जो दिया गया था, डेट 11/12/9/8 जितना भी डेट दिया गया था, उस डेट में यहाँ कोई प्रोफेसर या कोई टीचर, कोई अधिकारी तक भी सुपरिया कॉलेज में मौजूद नहीं हुआ। उसके बाद
हम लोग जब ओम प्रकाश श्रीवास्तव क्रांति जी हैं जो जिला परिषद का नेता है और कम्युनिस्ट पार्टी का भी नेता है, उन लोगों से कुछ लड़कों ने बात किया कि सर देखिए हम लोगों के साथ ऐसे ऐसे हुआ है, पर उन्हें बोले कि ठीक है हम इस विषय में बात करेंगे और आप लोगों का हेल्प करेंगे। उसके बाद कुछ लड़का सब ने, उस समय मनीष भैया को हम नहीं जानते थे, कुछ लड़का ने मनीष भैया का भी चर्चा में नाम लिया और एक ग्रुप इन लोगों ने बनाया पंडित राजकुमार कॉलेज के नाम से और इसी ग्रुप में उनको एडमिट कर लिया इन लोगों ने मनीष भैया को। और वो इसमें मनीष भैया आए और आकर के ग्रुप में सबको समझाया कि हम तुम लोग के साथ हैं और तुम लोग को नया दिलाएंगे, तुम लोग घबराओ मत। अब नतीजा यही हुआ कि हम लोग को 11 तारीख को बुलाया गया था बेतिया में बिपिन हाई स्कूल में, वहाँ हम लोग गए 11 बजे का टाइम था जबकि 2 बजे तक लड़का सब वहाँ इकट्ठा होकर के बैठे खड़ा रह गया और 2 बजे तक कोई अधिकारी वहाँ नहीं गया, एग्जाम लेना तो दिल्ली दूर था, वहाँ कोई गया ही नहीं। उसके बाद लड़का सब ने आक्रोश में आकर के और वहाँ हुड़दंग करने लगा, जन्मे करते हैं लड़का सब, मान लो 450 को लड़का था तो हम कैसे झूठ बोल सकते हैं कि वहाँ कुछ नहीं किया, वो तो हल्ला गुल्ली शोर मचे कर गए जब उसके साथ गलत हुआ है। तो उसके बाद प्रशासन का छापा हुआ, प्रशासन का छापा हुआ, उसमें हम हरिवाटिका पंप के समीप से गिरफ्तार हुए। वहाँ हम मतलब कि बोले कि सर देखिए हम इस दंगा में नहीं थे, दंगा हमने किया ही नहीं, दंगा को मैं जानता ही नहीं हूँ, मैं यहाँ एक जान के नाम पे आया हूँ, मैं दंगा के नाम पे नहीं तो आया हूँ, नहीं तो मैं दंगा किया हूँ। वो बोले कि नहीं ठीक है थाना चलो, प्रशासन ने हमें गिरफ्तार किया, थाना लेके गए, थाना में वहाँ बहुत कुछ मेरे घर के लोगों ने जा करके कहे सुने हम मनीष कैसे को काहे के लिए गिरफ्तार किया, अब देखो कब किया कैसे था कि जब हम लोग वहाँ चले गए, जब हम लोग को जेल हुआ उसके बाद सुबह पता चला कि मनीष कश्यप को गिरफ्तारी हुई है। अच्छा ठीक है, तो अब सबसे पहले आप लोगों की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद में उनका गिरफ्तारी हुई, तो आपके साथ में कितना आदमी थे? मेरे साथ में 4 आदमी थे, चार आदमी अलग आए, हम 5 आदमी थे। अच्छा, 5 आदमी आप और एक मनीष कश्यप, 6 आदमी। उसके बाद रोहित मिश्रा, राहुल सिंह, उसमें तो और सारे मतलब की 12 नामजने था और अज्ञात 150 पर FIR दर्ज हुई थी। और उसके बाद देखिए हम लोग को मान ले जो सात समस्या था वो हम लोगों का समस्या था, इसमें मनीष कश्यप का क्या भूमिका था? उसमें तो उसका कोई भूमिका नहीं था, उसमें तो उनको केस का कोई जिम्मेदारी ही नहीं बनता था। क्या उन्होंने किसी का खेत दखली कराने गया, वो अपना हेतु किसी का संपत्ति हड़पने गया था? तो वहाँ पे वो क्या करने गए थे और काहे के लिए उनके ऊपर FIR हुआ? देखिए वो गए तो हम लोग को न्याय दिलाने के लिए गए, क्योंकि आप लोगों से पैसा लिया जा मांगा जा रहा था कि 3,000 रुपया दीजिए और आप लोग एग्जाम मत दीजिए, आप लोग ऐसा ही पास करा दिया जाएगा। इसके वजह से गए कि न्याय दिलाने के लिए कि हाँ पैसा मत लीजिए, इन लोगों से एग्जाम लीजिए, एग्जाम ना लेकर अब नहीं लिया गया। एग्जाम जब नहीं लिया गया था तो उसके बाद एग्जामों के बाद भी कुछ नहीं हो रहा था, तो मनीष भैया ये सोचे कि ये सब छात्रों का भविष्य खराब हो जाएगा, तो उनने देखिए हम लोगों का भविष्य को उजागर करने के लिए सच्चाई की आग में कूदे और सच्चाई की आग ने उन्हें साजिश के तौर जलाने का काम किया और उस भी जेल गए। 4 महीना हम लोग लगातार साथ में ही जेल रहे, उसमें 1 FIR में हम लोग गए थे, वहाँ जाने के बाद 2 FIR हुआ। अब पहली बार मान ले मेरे उम्र का लड़का अगर जेल जाता है तो आप तो सोच सकते हैं रोएगा या क्या करेगा, तो हम रो रहे थे। तो अब हमको तो वहाँ घर द्वार मान लिया, इतना यहाँ जो आदमी दिख रहे हैं ये सब आदमी उसमें ना दिखता, आपका पसंदीदा आदमी ना उसमें कहीं कोई कहा है कहीं कोई कहा है, अब इस पर हमको उसमें अच्छा नहीं लगता था। खाना वगैरह वहाँ का जो भी जेल का अंदर सिस्टम था, तो मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि उसमें मेरे को नाश्ता और हाँ भी अच्छा खाना खिलाने का काम करे, क्योंकि वो तो अपराधी घर ही है जी, जेल जेल ना होता है तो उसमें जेलीय व्यवहार होता है, अपराधी व्यवहार होता है। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, हम रोने लगे, बहुत बार रोते थे मनीष भैया वो अपना गमछा से, आज देखिए यहाँ सुन नहीं रहे हैं, और वो अपना गामछा से मेरा आंसू अपने हाथ से पोंछते थे और हमको पजा में पकड़ के बार बार यही समझाते थे कि तुम मत घबराओ, रो मत, मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा। मैं उनसे सारी अपने घर की स्थिति बताया कि भैया देखिए मैं वो मजबूर परिवार से बिलोंग करता हूँ जो कि एक वक्त की रोटी के लिए हम लोगों को कल के लिए सोचना पड़ता है, आज अगर खा लेते हैं तो कल के लिए हम लोग को सोचना पड़ता है। ये परिस्थिति में जैसे तैसे करके हमने किसी का एक दूसरे का हेल्प लेकर के मदद के सहारे हम पढ़ लिख करके यहाँ तक पहुँचने का काम किए हैं और यहाँ आज हम इंटर का एग्जाम दिया और प्रैक्टिकल एग्जाम की वजह से मेरा सारा पढ़ाई जो भी हुआ भविष्य खराब हो रहा है। अब इसी की दौलत मनीष कश्यप ने हम लोग का साथ दिया और उनके साथ FIR हुआ। तो जब उसमें रहते थे तो वहाँ तो समझाए, यहाँ जब घर पे आने के बावजूद भी जब तारीख केस चार्जेज में गया, तारीख पे जाते थे तो कभी भी अगर कहीं से आते थे फोन करते थे तारीख का डेट होता था तो वो हमें 200, 400, 5,000, 2,000 के नाम पे हेल्प करते थे, पैसा भी देते थे, देते हमको इसमें जेल के अंदर रहने के बावजूद, निकलने के बाद वो भी निकले हम भी निकले। अच्छा। उसके बाद हम लोग तो तारीख पर जाने आने के लिए पैसा देते थे, हम लोग गरीब परिवार थे, हम लोग गरीब आदमी थे। अब उनसे बोले कि भैया देखिए तारीख पे 500,000 लगता है, हम लोग बहुत मजबूर आदमी है, वो तो अंदर में सारी बात हो गई तो देखते थे हमको इतना मतलब हेल्प करते थे अंदर में। मेरे घर से देखिए मुलाकाती में विशेष लोग तो था नहीं कि जाएगा, और गरीब आदमी कितना बार जाएगा, उनके घर से उनके दोस्ती के माध्यम से जहाँ से भी जो कुछ अगर जेल के अंदर में जाता था मुलाकातें हेतु वो सामान ला करके हम लोगों को खिलाते थे। अब हम सबों को अपना छोटे भाई से ज़्यादा प्यार करके रखते थे कि हमारा जेल नहीं, हमारा यह घर संसार है, तू लो संसार हो। आज वो हम लोगों को बीच नहीं है,
आज ना है तो देखिए आज राखी बंधन का त्योहार है, न होने का हम लोग का आप दिल पे कैसे एहसास हो रहा है। जब वो अगर निकलने के बाद बेतिया आते थे, कभी आते थे तो समाचार पूछते थे, पैसा भी अगर वो नहीं आते थे किसी के माध्यम से भेजवाते थे, आज तो वो नहीं है, आज हम किसे मांगे बताइए। रोइए मत, ये है बिहार में ऐसा ही लोग मनीष कश्यप को गरीबों की मसीहा नहीं कहते हैं, यही कारण है। और जो मनीष कश्यप के ऊपर जो FIR हुआ था बेतिया में, जो 7 केस जिसमें से एक केस जो कि एक कौन सा गांव का बता रहे थे, राजकुमार इंटर कॉलेज सतवरिया, सतवरिया जो कॉलेज वहां बताया जा रहा है कॉलेज, वहां से जो उनके ऊपर FIR हुआ था, तो वो किसी दंगा फर्क मतलब इस प्रकार से किए नहीं थे, लेकिन इस स्टूडेंटों की वजह से उन्होंने जेल गया था। हालांकि सारे जैसे उनके साथ में क्या क्या हुआ था सारी चीज भाई ने बताए, आज इन लोगों ने सभा बैठाए और यहाँ पे यानी जाति पाति से उठकर यानी ये लोग जादू समाज से बिलोंग करते हैं, फिर भी मनीष कश्यप को सपोर्ट करते हैं और सपोर्ट इतना तक करते हैं जो कि कहा जाता है कि खून के रिश्ता भले ही नहीं है लेकिन ये लोग का दिल का रिश्ता बहुत मजबूत है। और बाकी इन लोगों के बारे में आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग अपना राय कमेंट में दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को यहाँ तक देखने के लिए। जय हिंद।